व्हाट्स गुड यू गाइस, दिस इज योर ब्रदर रितिक मेघवानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं IIIT हैदराबाद के बारे में। काफ़ी टाइम से यार ये रिव्यू रहा था हमारा, तो आज हम लोग फाइनली इस रिव्यू को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि क्या इसके प्लेसमेंट्स हैं, कितनी फीस स्ट्रक्चर जाती है, कितना कट ऑफ जाता है इसका, कॉलेज लाइफ कैसी है, क्या क्या फैसिलिटीज IIIT हैदराबाद हमको प्रोवाइड कराता है, सारी बातें करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं IIIT हैदराबाद का। तो ये 1998 में कॉलेज बना था। लोकेशन की बात करें तो गोची बाउली रोड के पास है, हैदराबाद में। यूनिवर्सिटी टाइप ऑटोनॉमस है। कैंपस एरिया की बात करें 66 एकड़ का काफ़ी सही कैंपस बनाया गया है, काफ़ी डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड काफ़ी अच्छा एरिया है 66 एकड़। रैंकिंग की बात करें तो यार 43 इसकी रैंकिंग है NIRF 2020 में इंजीनियरिंग में, एंड ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 101 से 150 तक वेरी करती है। अब यहाँ पे यार मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रैंकिंग 43 है NIRF रैंकिंग, एंड इसके प्लेसमेंट्स देखें, इसकी फैसिलिटीज़ देखें तो ये मुझे काफ़ी कम लगती है। ठीक है, इसकी रैंकिंग यार अंडर 10 होनी चाहिए थी या फिर अंडर 15 होनी चाहिए थी। मैंने यार काफ़ी ऐसे कॉलेजेस देखे, प्राइवेट कॉलेजेस, जिनकी रैंकिंग यार 15 और 20 के अंदर है, जो कि होनी नहीं चाहिए, 30 के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। वो यार 15 के अंदर लेके बैठे हैं, 20 के अंदर लेके बैठे हैं, तो ये काफ़ी अंडररेटेड बोलूंगा यार मैं इसको। एंड NIRF रैंकिंग को यार हमको इसलिए कंसीडर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन हमें तो प्लेसमेंट से मतलब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 43 रैंकिंग भी ठीक है, और काफ़ी सारी रैंकिंग यहाँ पे इन लोगों ने दे रखी है, आप लोग चेक कर सकते हो, आउटलुक इंडियाज बेस्ट रैंकिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो 20 किलोमीटर है आपका बेगमपेट एयरपोर्ट से एंड 16 किलोमीटर है आपका नमपली रेलवे स्टेशन से, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा नेम थोड़ा गलत वाला तो संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो 2.8 लाख आपका पर ईयर का यहाँ पे ट्यूशन फीस है एंड 3000 पर मंथ के हिसाब से आपकी हॉस्टल रहेगी, 3500 पर मंथ के हिसाब से आपकी मेस रहेगी, ठीक है, तो आपका 3.5 लाख के आसपास चला जाएगा पर ईयर का। काफ़ी लोगों को ये ज़्यादा लगता है भी, लेकिन क्या है कि जितने पैसे आप IIIT हैदराबाद में लगाते हैं यार, वो मैं बोलूँगा सारे वसूल हो जाते हैं, ठीक है। आप जब प्लेसमेंट लेते हो तो एक साल में सब कवर हो जाता है, ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 25% यहाँ पे ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है अगर आप फीमेल हैं तो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, तो 25% फीमेल्स को यहाँ पे फी वेवर मिल जाता है। हैदराबाद में स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की स्कॉलरशिप है, प्रतिभा स्कॉलरशिप जो कि आंध्र प्रदेश की अगर आप हैं तो, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको मिल जाएगी, अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम काफ़ी कम है, ठीक है, तो भी आप बात करके ले सकते हो। थर्ड, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर में अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपका इनकम सर्टिफिकेट देख के, आपके पेरेंट्स का कितना है तो उस हिसाब से यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन काफ़ी कम बच्चों को मिलती है, तो यार स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंड मत रहना, ठीक है। अब मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो 60% है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट, ठीक है। अब यहाँ पे यार हम लोग 3 से 4 तरीके के मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि भैया कितने मोड ऑफ एडमिशन है यहाँ पे, तो हम लोग जल्दी से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो मोड ऑफ एडमिशन है वो है जेई मेंस। अब यहाँ पे जेई मेंस में काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है कि इसका अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। लोगों को लगता है कि जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग के बेसिस पे ये एडमिशन लेता है, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे IIIT हैदराबाद के लिए अलग से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, जोसा एंड सीसेप के थ्रू ये एडमिशन नहीं लेता है, तो यार ये ध्यान में रखना। सेकेंड, यहाँ पे होता है DSA मोड। यहाँ पे अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, ठीक है, अगर आप NRI हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सेट का स्कोर देखा जाएगा, ठीक है। थर्ड जो मोड यहाँ पे आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता है, आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, UG मोड। अब UG मोड में क्या होता है, जैसे कि JEE मेंस होता है ना, इसी तरीके से IIIT हैदराबाद का एक अलग से एग्ज़ाम होता है जो कि बच्चों को नहीं पता है। अगर जैसे आप JEE मेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके साथ साथ UG मोड दे सकते हैं, अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो आप IIIT हैदराबाद बिना JEE मेंस के जा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ रहता है, ये मैंने सुना है। अब यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो UG मोड है यार, इसमें आपका 5 ईयर वाला प्लान रहता है, आप BTech प्लस MS ड्यूअल डिग्री कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक होता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाता है। आपका बेसिकली 11th 12th के बेसिस पे ये टेस्ट लिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है,
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जैसे सपना हो कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना है, तो आपको जेई मेंस का एक रास्ता है, एक आपका यूजी का रास्ता है, ठीक है। यूजी में आपको 5 ईयर वाला कोर्स मिलता है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट मोड आता है वो है ओलंपियाड मोड, तो अगर आपने ओलंपियाड वगैरह दिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो मोड आता है वो है स्पेक मोड, इसमें बेसिकली उड़ान स्कीम जो CBSE की रहती है, ठीक है, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर यहाँ पे 6 ईयर इंटीग्रेटेड 12th प्लस 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कर रखा हो, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी मोड मैं बता रहा हूँ आप डायरेक्ट RIIT हैदराबाद की वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से एकेडमिक डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ब्रांचें देखने को मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आपका EC 4 ईयर BTEC के लिए। 5 ईयर में आपको 2-3 यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ 2-4 स्पेशलाइजेशन आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, नेक्स्ट हो गया आपका नेचुरल साइंस, फिर हो गया आपका ह्यूमन साइंस, तो इस तरीके की स्पेशलाइजेशन आपको 5 ईयर वाले कोर्स में मिल जाती हैं। जल्दी से कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, तो यार ये जो आपका जेई मेंस का कट ऑफ है इसमें आपकी 936 रैंक चाहिए जेई मेंस में, एंड आपके EC के लिए 3000 के आसपास रैंक चाहिए होती है। ये मैं लेटेस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, एंड आप परसेंटाइल भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो उनके लिए यहाँ पे 2200 रैंक चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए, एंड यहाँ पे 6400 के आसपास रैंक चाहिए EC के लिए। अब जो लोग कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको लगेगा कि यहाँ पे कैटेगरी कट ऑफ नहीं बताई है, तो यार यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसी बेसिस पे आपके एडमिशन होगा, आपकी CRL रैंक काम आएगी, तो ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका एग्जाम होता है UG, उसकी कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 65 रैंक चाहिए, ठीक है, EC के लिए आपकी 189 चाहिए, आप लोग देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो जेई मेंस के बेसिस पे आपकी 160 सीट्स यहाँ पे हो जाती हैं, 120 मेल 40 फीमेल्स की, ठीक है। यहाँ पे UG के हिसाब से आपकी 97 सीट्स होती हैं, स्पेक मोड के हिसाब से 20 सीट्स, एंड DASA के थ्रू आपकी 40 सीट्स यहाँ पे फिलअप की जाती हैं। कैंपस फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं आज जल्दी से, तो RIIT हैदराबाद में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैब्स वगैरह सारी बताई गई हैं, ठीक है। लाइब्रेरी आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी जो जो आपके काम की हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में यहाँ पे आपको काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स और बुक्स जो कि ऑनलाइन होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हॉस्टल्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं जो कि कैंपस की बिल्डिंग में ही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको SBI का ATM मिल जाएगा, SBI बैंक मिल जाएगी, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे सब मिल जाता है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस नूब एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें। अगर जैसे कोई कैंपस में नहीं होता है तो यहाँ पे आसपास जो स्टेडियम है वहाँ पे भी ये लोग आपको प्ले करने देते हैं। डाइनिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे 4 मेस मिल जाती है, 3 वेज और 1 नॉन वेज। यहाँ पे वेज में आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड एक युक्तहार, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये मैस होती है, तो ये आपको मिल जाती है। नॉनवेज की बात करें तो कडम नाम की एक मैस है जिसमें आपको 5 बार वीक में नॉनवेज दिया जाता है। क्वालिटी की बात करूँ तो ओके, हाइजीन अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो ऐसी कोई मैस की दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सारे यार यहाँ पे आपको कैंटीन्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको कॉलेज में काफ़ी कैंटीन्स मिल जाएंगी, तो आप बाहर वगैरह भी खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिम और योगा के बारे में, तो यहाँ पे आपको जिम देखने को मिल जाती है, ठीक है, आपको फिजिकल ट्रेनर भी होता है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, एंड आपको एक सेपरेट मिनी जिम मिल जाता है गर्ल्स के लिए जो कि आपके हॉस्टल के पास में होगा। अब यहाँ पे योगा की बात करें तो मॉर्निंग एंड इवनिंग में योगा सेशन होता है, ठीक है, एंड प्रॉपर योगा गुरु जो रहते हैं वो आपको योगा सिखाया करेंगे, तो ये काफ़ी सही है यार, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। RIIT हैदराबाद के कैंपस लाइफ की बात करूँ तो यार यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, यहाँ पे फेस्टिवल्स यार दिवाली एंड होली कैंपस में मनाए जाते हैं, तो काफ़ी सही मज़ा आता है यार, ठीक है। एंड हम लोग बात करें इसके स्पोर्ट इवेंट्स की, तो काफ़ी स्पोर्ट्स और इवेंट्स होते रहते हैं RIIT हैदराबाद में। अब बात कर लेते हैं क्लब्स के बारे में, तो यहाँ पे यार बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत ही सारे, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फोटोग्राफी क्लब है, ठीक है, जिसमें आप अगर आपका फोटोग्राफी का शौक हो तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। डांस में शौक हो तो डांस क्लब है, ड्रामेटिक क्लब है, ठीक है, एक यहाँ पे लिटरेरी क्लब है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डिबेट्स वगैरह होती रहती हैं। मूवी क्लब है जो कि बेस्ट पार्ट है, इसमें पता है क्या होता है, सैटरडे नाइट को 10 बजे के आसपास आपसे 2 रुपये लिए जाते हैं एंड आपको मूवी दिखाई जाती है ऑडिटोरियम में, क्या चाहिए और, ठीक है, तो काफ़ी सही चीज़ लगी यार, मूवी क्लब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्विज क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, अगर रोबोटिक्स में आपको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग क्लब है, ठीक है, जो कि अक्सर बच्चे ज्वाइन करते ही हैं। म्यूज़िक क्लब है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यार बात कर लेते हैं नोटेबल एल्यूमिनाई की, तो काफ़ी यहाँ पे लोग हैं
जो कि काफ़ी सही जगह पे हैं और काफ़ी सही कर रहे हैं। दो तीन मैं आपको नाम बता देता हूँ। अब यार यहाँ पे जो सबसे पहले एल्यूमिनाय आते हैं वो है विक्रम गुंडेती, अमेजोन में प्रिंसिपल इंजीनियर रहे हैं, तो काफ़ी सही बात है। नेक्स्ट एल्यूमिनाय जो आते हैं वो हैं हमारे अंशुमन सिंह एंड अभिमन्यु सक्सेना, ठीक है। ये भी यार IIIT हैदराबाद के हैं। इन्होंने यार स्टार्टअप किया था अपना 2010 में, इंटरव्यू बिट एंड स्केलर अकेडमी, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी सही कर रहे हैं। थर्ड जो यहाँ पे एल्यूमिनाय आते हैं वो है राहुल सलादी, इन्होंने भी यार BTech एंड MS किए IIIT हैदराबाद से, ये भी यार काफ़ी सही कर रहे हैं। अपने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IISc बेंगलोर में, जो कि यार एक काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। तो ये एल्यूमिनाय थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यार प्लेसमेंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मेरे ख्याल से। यार IIIT हैदराबाद काफ़ी अंडररेटेड है NRF रैंकिंग के मामले में। इसके प्लेसमेंट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि जिसको ये कॉलेज मिल गया समझो वारे नहीं आ रहे, ठीक है। जल्दी से बात कर लेते हैं, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है यार अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं। एंड कंपनीज यार बहुत ज़बरदस्त आती हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 46 लाख पर एनम के हिसाब से यहाँ पे मिल गया था CSE वाले बच्चों को। अगर आपका EC मिलता है तो 39 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज गया था। CSE का एवरेज पैकेज 26 लाख पर एनम था, EC का एवरेज पैकेज 19 लाख पर एनम था। कम से कम यहाँ पे जो पैकेज गया था वो 10 लाख के आसपास गया था जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप थोड़े ठीक ठाक बच्चे हैं तो 10 पार तो आप कर ही जाओगे, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से 15-20 पार कर देते हैं सब लोग प्लेसमेंट के मामले में। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें यार तो हर एक जानी मानी, हर एक शानदार कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, गूगल से लेके एप्पल से लेके अमेजोन से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स, सैमसंग, रिलायंस जियो, हुआई टेक्नोलॉजी, सारी कंपनीज यार कैंपस विजिट करती हैं। ये यार ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कंपनी जाना पसंद करती है। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, एंड आप लोगों के जितने भी बच्चे हैं यार सारे बहुत ही शानदार डेवलप हो रखे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो कि आप खुद नहीं पढ़ोगे ना तो दूसरों को देख के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शानदार बात मुझे लगती है यार अच्छे कॉलेजेस की। कॉलेज की कुछ बातें कर लेते हैं जल्दी से। तो कोडिंग कल्चर काफ़ी बेस्ट है। थर्ड ईयर यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में वाईफाई नहीं मिलता है, ओनली लैन कनेक्शन, जो कि ठीक है। एंड यहाँ पे टीचर्स सारे वेल क्वालिफाइड हैं, PhD होल्डर्स हैं। अटेंडेंस रूल्स आर स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ता है। अकेडमिक्स के मामले में IIITs काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पे वीकली असाइनमेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यार स्टार्टिंग में आपको लग सकता है, लेकिन आप थर्ड फोर्थ ईयर आते आते ऐसे बन जाते हो कि यार आप जो भी आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कैंपस लाइफ ओके है, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो अकेडमिक्स में फोकस रहते हैं। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे फंडिंग आपको मिल जाती है अगर आप कॉलेज में कोई स्टार्टअप आइडिया लेके आते हैं, एंड आप कर सकते हैं स्टार्टअप को, तो फंडिंग आपको डेफिनेटली कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड हो जाती है। सो सिंपल फंडा यही है कि अगर आपको मिलता है तो बहुत ज़बरदस्त है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। NRF रैंकिंग के मामले में काफ़ी अंडररेटेड है, बेस्ट कॉलेज में कहूँगा अगर मैं IIIT के बारे में बात करूँ तो। सो गाइस ये था आज का रिव्यू। हम लोग यार काफ़ी जल्दी काफ़ी सारे रिव्यूज़ कवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। एंड बस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए रिव्यू के साथ। तो स्टे सेफ, पीस आउट। We'll be right back.